हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th क्लास। बच्चों, मैं आपकी मोरल साइंस टीचर हूँ। आज मैं आपको मोरल साइंस में लेसन 5 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है मिरेकल इन द माइन। मिरेकल इन द माइन एक बहुत ज़्यादा बहादुर माइनर्स की कहानी है। इसमें यह बताया गया है कि इंसान अपनी आशाओं और दृढ़ संकल्प से वह काम भी कर सकता है जो असंभव लगते हैं। यह कहानी 25 जुलाई 2002 की है, जब 9 वर्कर्स 300 फीट जमीन के नीचे माइन में फंस गए थे। वह ऊपर की ओर आ रहे थे और माइन शाफ्ट रुक गई। ऐसा सोचो कि सपोज हम 4 फीट नीचे कहीं फंस जाएं और कंटिन्यूसली पानी बढ़ता चला जा रहा हो। सेम ऐसे ही उन बेचारे माइनर्स के साथ हुआ। वह नीचे फंस गए और कंटिन्यूसली पानी बढ़ता जा रहा था। जहाँ पर वह माइनर फंसे हुए थे, वह 50 साल से बंद थी। वह मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तभी एक दीवार चटकने लगी और 9 माइनर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनमें से एक का नाम था डेनिस हॉल, जो भागते भागते रेडियो पे अपने साथियों के फंसे होने की इन्फॉर्मेशन दूसरे ग्रुप को दे रहा था जो माइन के ऊपर थे। मार्क पोपरनेक ग्रुप का एक और माइनर, जो ड्रिलिंग मशीन ऑपरेट कर रहा था, वह शाफ्ट की साइड पर फंस गया था। वह बचे हुए एक माइनर उसे ही ढूंढ रहे थे। पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। सबकी बॉडी ठंड के कारण सुन्न हो गई थी, लेकिन उन 9 माइनर ने हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने प्लान बनाया और वह एक साथ क्लोज हो गए ताकि वह अपने आप को गर्म रख सके। वह हाथ पैर रगड़ते और अपने आप को गर्म रखते। उन्होंने कॉर्न बीफ सैंडविच, अ कैन ऑफ पेप्सी एंड 2 कैन ऑफ माउंटेन ड्यू शेयर किए, जो उनके लंच बैग में थे। उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए आखिरी संदेश लिखे और लंच के डिब्बे में बंद कर दिए और प्रॉमिस किया कि वह यह डिब्बा नहीं खोलेंगे। उन्होंने मिलकर एक लूप बना लिया और कहा, भले ही हम ना बचे, परंतु मरने के बाद हम सबकी बॉडी एक साथ ही मिलनी चाहिए। 9 माइनर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और प्रे कर रहे थे कि वह बच जाए। 240 फीट ऊपर उनकी बचाने वाली टीम लगातार उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। वह यह देख रहे थे कि किस जगह छेद करके उनको निकाला जाए। कुछ टाइम बाद टीम ने सही गैस किया और एक 6 इंच का छेद कर दिया। उसके अंदर हॉट एयर पंप करी ताकि 9 माइनर गर्म रह सके। पंप्स फेंके गए ताकि बाढ़ का पानी निकाला जा सके। करीब करीब 20,000 गैलन्स पानी 1 मिनट में निकाला गया। फाइनली सबकी कोशिश काम में आई और वह इस असंभव परिस्थिति से लड़कर जिंदा वापस लौट आए। इसकी जानकारी खुद पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने टेलीविज़न पर दी कि सैटरडे की नाइट को सभी माइनर्स को बचा लिया गया है। सभी माइनर्स यही चाहते थे कि एक कोक और एक चिप्स का पैकेट उनको वापस मिल जाए। 3 lessons to be learned फ्रॉम द मिरेकल इन द माइन। इस लेसन से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। फोकस, सेट गोल्स, क्रिएट अ मास्टर प्लान ऑफ एक्शन।